ये देख रहे दोस्तों, अशुद्ध स्पेशल तवा भटूरे, भैया को पहचान लो, रेट चेक कर लो। और रिसेंटली भैया को भी नहीं पता, हमने बताया मिलिंद गावन ने एक इनकी रील शेयर करी थी और उनको यहाँ के भाई तवा भटूरे भाई बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो भाई अपने दिल्ली के, दिल्ली वाला स्वाद कहीं चले जाओ, डिबेट चलती है दिल्ली वाला स्वाद यहाँ मिल जाएगा, कहीं नहीं मिलता भाई दिल्ली वाला स्वाद, सिर्फ दोस्तों दिल्ली में मिलता है। और असली स्वाद तवा भटूरे का, छोले भटूरे नहीं है दोस्तों, दोबारा बता रहा हूँ, तवा भटूरे हैं। कैसे फीलिंग किस चीज़ की क्या है सब बताता हूँ। सबसे पहले ना आपको लोकेशन बता देता हूँ, ये भैया खड़े हैं यहाँ पर आशुदे स्पेशल तवा भटूरे, कार्ट देख लो एक बार आप देखो। और एक लैंडमार्क है सुभाष नगर ब्लॉक 9 दीपक मेडिकोस, डालेंगे ना डायरेक्ट आप लोकेशन में पहुंच जाएंगे, उससे जस्ट आगे आना है, मात्र 10-15 कदम चलने हैं, आशु तवा भटूरे वाले आप पहुंच जाएंगे। ये देखो, और ये भी लिखा है एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। बीघा कुलचा दोस्तों 30 रुपये का, मीठी लस्सी 30, आलू वाले हैं ये, पेटम वेटम की दोस्तों सब सुविधाएँ उपलब्ध हैं यहाँ पर। और आप ये अच्छे तरीके से ना भाई रेट्स चेक कर लो, देखो मैं दूर से दिखा देता हूँ आपको, ठीक है जी। और ये होते हैं भाई भटूरे, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो भाई ये होते हैं ऐसे भटूरे, ठीक है जी। फिलिंग वगैरह सब बताऊँगा, ये देखो आलू की फिलिंग होती है इसमें, ओके। और ये दोस्तों अपने प्याज वगैरह रखे हुए हैं, इधर पन पे आते हैं, ये तवा रखा हुआ है गरम गरम, देखो छोले वगैरह आपको गरम गरम मिलते रहेंगे। और साथ में आपको मिलेगा गाजर का अचार, मिर्ची, नींबू, और पैकिंग भी दोस्तों हो जाएगी। अब भैया से बात करते हैं, जय श्री राम भैया, क्या हाल चाल? जय श्री राम, क्या हाल चाल आपके? तो भैया कितने टाइम से इतना बढ़िया स्वाद खिला रहे हो? 50 साल हो गए भैया। 50 साल हो गए, पापा के टाइम से चलती हुई आ रही दुकान। और कितने बजे आ जाते हो आप? मॉर्निंग 8 से लेके 2 बजे तक। मॉर्निंग 8 से लेके 2 बजे तक माल खत्म हो जाता है? 12 बजे तक खत्म हो जाता है, कस्टमर को मेरी कहते हैं जल्दी है। अच्छा, जल्दी आएंगे, पहले आओ और पहले पाओ। अच्छा, पहले आओ और पहले, मतलब आपने कस्टमर बेस को देखते हुए कभी क्वांटिटी नहीं बढ़ाई, जितना लाते हो उतना सफिशिएंट लगता है आपको? ओके ओके ओके, चलो भाई जगह छोले भी चेक कर लेते हैं। देखो भाई ये दोस्तों छोले हैं, देखो कितने गाढ़े छोले हैं, स्ट्रीट स्टाइल गाढ़े छोले बहुत कम मिलते हैं भाई आपको, और इन रेटों में तो दोस्तों वैसे भी नहीं मिलेंगे। तो भैया ये कहाँ से बन के आते हैं आपके भटूरे? कहाँ पर? अच्छा यहीं पर ही किचन है, यहीं से बन के आते हैं? लोग कह देते हैं ना कि भाई हमारा वहाँ से आता है अमृतसर से सुबह सुबह आता है, लेकिन आप अपने यहीं पर ही बनाते हो? यहीं पर ही बनाते हो ना, मतलब आप अपने? और फीलिंग इसमें आलू और आलू मसाले वाले आलू की फीलिंग होती है? आलू और पनीर की लाइट होती है। अच्छा, लाइट होते हैं सब कुछ, ओके। तो भाई एक प्लेट में कितने मिल जाते हैं ये? 2 पीस मिलते हैं, ओके ओके ओके। तो भाई देख ली काटे को सामने से, और आपको यार दिखा देता हूँ मैं, ये देखो भाई ठीक है, और स्वाद ऐसा मेंटेन करा हुआ है ना पापा के। भैया ये तो देखो कहीं कहीं देखने को मिलता है कि आपके पिताजी के टाइम का जो काम चल रहा है वो स्वाद अभी भी वैसा ही है, तभी आपके 4-5 घंटे में सब बिक जाता है माल। तो भाई ये तो भैया कमेंडेबल चीज़ है, लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करना भाई इसे ही कहते हैं। तो भैया लगाओ एक तवा भटूरे की प्लेट हमारी। तो भाई देखो स्टील की प्लेट है भाई, डिस्पोजल यूज़। अच्छा डिस्पोजल यूज़, तो क्या हुआ तो? भैया प्याज रहने दो, आज मंगलवार प्याज रहने देते दोस्तों, ये अचार डलवा लेते हैं यार हम। और भैया छोलों में प्याज लहसुन होता है क्या? नहीं, 12 महीने। अच्छा 12 महीने प्याज लहसुन नहीं होता? ओ क्या बात है भाई, आजकल दिल्ली में भाई बहुत मुश्किल है मिलने। तो भैया छोले दोबारा रिफिल करके दे देते हो? जितनी मर्जी बार करें, ओके। अच्छा, चलो भाई ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, और स्टील के प्लेट में मिल रहा है, साथ में देखो डिस्पोजेबल मिल रहा है। और ये भाई भटूरे देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर गर्म होते हुए दिखाता हूँ भटूरे आपको मैं, लगा हुआ है ना ये देखो तवा। तो भाई ये हाथों हाथ दोस्तों भटूरे गर्म होते हैं ऐसे, बिल्कुल पेपर वाले भाई भटूरे हैं, और फिलिंग भी तो है ना इनमें, ये देखो भाई जबरदस्त चीज़ है, जबरदस्त है। तो भाई जिसको प्याज है भाई ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये दोस्तों अपनी एक प्लेट हो गई रेडी, और साथ में लेते हैं रायता, चलो। अच्छा सूप, चने का सूप, अरे क्या बात है भाई। तो ये भी भैया 60 रुपये में ही है, इसके अलग से है 50 रुपये, ये सूप है 50 रुपये का? अच्छा एक्स्ट्रा नहीं, मतलब ये पूरी प्लेट ऐसे आप 60 रुपये में देते हो? ये 50 की जिसमें चना सूप भी इंक्लूडेड है। अरे भाई इससे सस्ते दोस्तों कहाँ मिलेंगे। चलो भाई अब इसको ना टेस्ट करते हैं। बताओ यार किसी जगह वैसे आप जो जाते हो ना छोले कुलचे वाले, आजकल लोटा वगैरह के चलते, उनमें ना अलग से आपको पेमेंट करनी पड़ती है इस सूप की, क्वांटिटी ज़्यादा होती है, लेकिन यार
उनके छोले कुलचे देखो 40-50-60 रुपए के होते हैं, साथ में आपको 10-20-30 रुपए पे करने पड़ते हैं। यहाँ पर आपको पे नहीं करना पड़ेगा, साथ में भैया ने देखो अपने आप ही सूप मिल जाए, अभी इससे सस्ता भाई और क्या लेंगे, अब क्या दुनिया को मारोगे भाई मेरे। तो भाई ये होती है भाई एक चीज़, चलो इसको टेस्ट करते हैं। चलिए गाइस शुरू करते हैं, सबसे पहले सूप से शुरुआत करते हैं। हाँ क्या बात है, छटकारा आया यार, जबरदस्त सूप है। सर्दियों में भाई बहुत बिकने वाला है, भैया के पास खत्म हो जाएगा मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि भाई बहुत स्वाद हो, साथ में 50 रुपए की प्लेट के साथ दोस्तों आपको ये मिल रहा है। चलो इनक्रेडिबल चीज़ है भाई। और ये अपने छोले हैं, ये चाह रहे हैं। चलो देखो भाई पेपर पेपर भटूरा आप चेक कर सकते हो। देखो भाई मुझे भी लग रहा था कि 50 रुपए में दो भटूरे, लेकिन जब पता चला ना सूप भी है, फिर लगी भाई वर्थ ही आया मजा एक। चलो भाई इसको अब करते हैं, इसको ले लेते हैं आगे। चलो दोस्तों टेस्ट करते हैं। ये देखो भाई ये हो गया ब्रेक, फिलिंग दिखा देता हूँ एक बार, दिखेगी क्या, क्योंकि पेपर है भाई भटूरों में, लेकिन आप बाहर से ही देख लो यार, देखो आलू की फिलिंग है इसमें, ठीक है जी। चलो इसको करते हैं टेस्ट, आ जाइए। हल्की सी खटास महसूस हो रही है जो कि बहुत ज़बरदस्त लग रही है, मतलब छोले में अलग 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 कुछ हो ना कहीं किसी जगह पे तो वो चीज़ अच्छी लगती है। अब यहाँ पर हल्की सी खटास है, वो बयान ऊपर से कुछ डाला तो था, पूछूंगा अभी। चटनी डाली थी, हाँ बहुत ज़बरदस्त चटनी है भाई, खट्टी चटनी क्या बात है। और खटास तो हमारे वैसे भी पसंद है ही, अचार के साथ सैलड के साथ चटनी ना मिले तो क्या हुआ, छोले में तो मिल रही है। भाई छोले बहुत ज़बरदस्त, भटूरे बहुत बढ़िया, एक बार अचारों टेस्ट करते हैं। भैया अचार घर से बना के लाते हो? रोज डेली डेली फ्रेश रेडी होता है? अरे क्या बात है भाई, लगी रहा है। देखो बाहर वाला जो अचार आता है ना टॉप सोर्स को, जो पैकिंग वाला अचार होता है वो अलग से ही दिख जाता है। हाँ नमक मिर्च और हल्दी से बस, क्या बात है, स्वाद आ रहा है दोस्तों, बहुत बड़ा स्वाद आ रहा है। और ये तारीफ झूठी नहीं है, कभी भी ट्राई करके देख लेना, 4-5 घंटे में ऐसे ही माल खत्म नहीं होता भाई, मेहनत चाहिए होती है, स्वाद चाहिए होता है दोस्तों खत्म करने के लिए। ये देखो, और बाकी भाई किसी किसी दिन ज़्यादा हो जाते हैं, वो भीड़ के ऊपर है, बाकी हो जाता है खत्म इनका 5-6 घंटे, 2 बजे तक चले जाते हैं। तो भाई एक बार अपनी तवा भटूरे की दीवानगी खत्म करने के लिए आना जरूर भाई आशुदे स्पेशल तवा भटूरे खाने, डिसअपॉइंटेड होके नहीं जाओगे, स्वाद आएगा बढ़िया। चलो भाई मिलते हैं आपसे हमारे अगले व्लॉग में।